हाय गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं भुवन बाम के बारे में। तो गाइस, बहुत दिनों से बीबीक्यू वाइंस पर वीडियो नहीं आ रहे थे, तो फाइनली आपका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि रात को भुवन बाम ने इंस्टा स्टोरी पर लिखा, न्यू एपिसोड टुमारो 1 PM ओनली ऑन बीबीक्यू वाइंस यूट्यूब। तो गाइस, आज 1 बजे भुवन बाम का वीडियो आने वाला है। अब बात करते हैं एल्विश यादव और मीडिया के बारे में। तो गाइस, डेली एल्विश यादव 12 बजे तक एक व्लॉग वीडियो अपलोड कर देते थे, लेकिन कल उन्होंने व्लॉग वीडियो अपलोड नहीं किया, तो इसके बारे में मीडिया भी जानकारी दे रही थी कि एक बड़ी खबर सुनी है कि एल्विश यादव आज वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। तो मीडिया का वीडियो शेयर कर देविया ने लिखा, यह नेशनल न्यूज है। अब यहाँ मीडिया वाले न्यूज बॉय और न्यून मैन को रिप्लेस कर रहे हैं। तो इस पर न्यून मैन ने हंसने वाली इमोजी सेंड की। गाइस, ये बात तो सच है यार, ये मीडिया वाले तो एल्विश के पीछे ही पड़ गए। आपको मीडिया के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। अब बात चल रही है एल्विश यादव और मीडिया की। तो पूजा भट्ट ने मीडिया के बारे में कहा है और एल्विश यादव को सपोर्ट भी किया है, और पूजा भट्ट ने मीडिया को अच्छी तरह से सुनाया है। आप ये क्लिप देखिए। बारे में काफी न्यूज ऐसे फैल रहे कि वो इल्लीगल तरीके से पार्टीज में स्नेक्स का सप्लाई करते हैं नशे के लिए, तो आपका क्या कहना है, मतलब आपने क्या सोचा है इस बात में, कितनी सच्चाई? आप पहले बताइए आप लोगों ने क्या सोचा है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि आज की मीडिया में जज लॉयर एवरीथिंग हैपेंस इन द मीडिया बिफोर इट इवन गोज एनीवेयर। तो आई वुड जस्ट से दैट टाइम जो है is the best answerer of all these uncomfortable questions. और बुरे वक्त जो होते हैं, supposedly बुरे वक्त, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमें बहुत कुछ दे के जाता है, हमें बहुत कुछ सिखाता है। success, infamy, अच्छे वक्त बुरे वक्त, वो हम सबको आजमाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक और दूसरा नहीं, पॉसिबल नहीं है। वही लोग जो, और वही मीडिया जो आपको चढ़ाती है बहुत ऊपर, वही लोग और वही मीडिया आपको गिराती भी है बहुत जल्द। तो बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, और चाहे वो अच्छे वक्त हो या बुरे वक्त, अनकंफर्टेबल टाइम्स हो या बहुत ही इजी टाइम्स, टेक इट ऑल विद अ ट्रकलोड ऑफ सॉल्ट, बिकॉज़ इवेंचुअली द ट्रुथ कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। और क्या गाइस, पूजा भट्ट शादी करने वाली है। जब मीडिया वालों ने उनसे क्वेश्चन किया तो पूजा भट्ट ने कहा कि शुभ शुभ बोलिए, और जरूरी नहीं है कि कोई मेरी जिंदगी में आएगा, प्यार होगा, पेपर पर साइन करने से क्या रिश्ता बनते हैं, रिश्ते तो दिल से बनते हैं और दिल से टूटते हैं। पूजा भट्ट ने कहा कि जब हम कंपनी या साथी के बारे में बात करते हैं तो शादी हो या ना हो वो तो टाइम और जिंदगी बताएगा, मैं बैठकर इसके बारे में सोचती नहीं हूँ इतना ज्यादा, और मैं यही सोचती हूँ कि अगर कोई मेरी जिंदगी में आए तो वेलकम, और ना आए तो मर थोड़ी जाऊंगी आपकी प्यास में, मैं खुश हूँ, फ्रेंड्स है, फैमिली है। तो गाइस, आपका पूजा भट्ट के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। गाइस, अब बात करते हैं ICC मेन वर्ल्ड कप के बारे में। तो BCCI ने ट्वीट कर बताया कि नंबर वन बैटर इन द लेटेस्ट ICC मेंस ODI रैंकिंग फॉर बैटर्स, तो इसमें है शुभमन गिल। नंबर वन बॉलर इन द लेटेस्ट ICC मेंस ODI रैंकिंग फॉर बॉलर, तो इसमें है मोहम्मद सिराज। सारा तेंदुलकर ने भी ट्वीट कर लिखा, वर्ल्ड नंबर वन ODI बैट्समैन शुभमन गिल, कांग्रेचुलेशन शुभमन गिल एंड मोहम्मद सिराज। तो गाइस, आपको इन दोनों के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। ये थी वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।